ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सूर्यवंशी फ्रॉम उमरगा महाराष्ट्र, आप सभी लोगों का आर्थिक आज़ादी अभियान में और ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर मेरा ज्वाइनिंग तो हो गया, यानी अपने सिस्टम में जैसे कोई ज्वाइनिंग करता है तो सवाल पूछते हैं कि सर मेरा ज्वाइनिंग तो हो गया, अभी अगला स्टेप हमें क्या करना है, यानी ज्वाइनिंग होने के बाद नए डोनर को क्या करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर आज हमें डिस्कशन करना है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी नए लोग सिस्टम में जुड़ते हैं, आप खुद को भाग्यशाली समझिए कि आप इतने अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े हैं, और उसके साथ साथ आपको उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना है, उस व्यक्ति को थैंक्स कहना है जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दी और इस सिस्टम में आपको लेकर आया है, इस सिस्टम में आपको ज्वाइन कर दिया है। उस व्यक्ति को आपको धन्यवाद कहना है क्योंकि एक सुनहरा अवसर उन्होंने आपके लिए दिया है दोस्तों। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी नए लोग डोनर आते हैं, नए लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, सबसे पहले आपको यह बात समझ के लेनी है कि हम एक अच्छे सिस्टम के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ पे कोई धोखा नहीं होगा, यहाँ पे कोई किसी को फंसाने वाला नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम भी है और अपना काम भी उतना ही साफ सुथरा है। ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में रखनी है दोस्तों। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि जैसे उस कंपनी में ये हुआ, इस कंपनी में वो हुआ, बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है, फ्रॉड होता है, ये होता है। लेकिन दोस्तों, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल पूरे भारत का एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे फ्रॉड नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, इसलिए आपको यहाँ पे आप खुद को खुशनसीब समझना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप इस सिस्टम के साथ क्यों जुड़े हैं, ये सबसे पहले आपको सोचना है। जी हाँ दोस्तों, एक तो पहला आपका उद्देश्य चाहिए पैसा कमाना। जी हाँ दोस्तों, पहला आपका उद्देश्य चाहिए पैसा कमाना और दूसरा आपका उद्देश्य चाहिए सोशल वर्क करना, समाज सेवा करना। जी हाँ दोस्तों, ये दो उद्देश्य हमारे होने चाहिए। अभी पैसा कमाना, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पैसे के बारे में कहा जाता है, पैसा भगवान नहीं लेकिन माँ कसम भगवान से कम भी नहीं, पैसा भगवान नहीं लेकिन माँ कसम भगवान से कम नहीं। इसलिए हमें पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन हमें ये बात भी उतनी ही अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि पैसा कमाते वक्त हमारे हाथ से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छे रास्ते से अच्छा पैसा और ज़्यादा भी पैसा कमाते हैं तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है दोस्तों। और ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में हम जुड़े इसलिए है अच्छे रास्ते से, अच्छे तरीके से ज़्यादा पैसा कमाए, वो भी बिना किसी के साथ धोखा किए। और यही तो सिस्टम हमें सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना, खुद की मदद के लिए दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम में हमें एक दूसरे को मदद करते हुए पैसे कमाना है। तो हम अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े हैं, हमें यहाँ पे 100% एक सिक्योरिटी अपने माइंड में रखनी है। अब बात आती है दोस्तों, मेन पॉइंट अपना आता है कि न्यू डोनर, नए मददकर्ता जुड़ने के बाद उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, मान लीजिए हम खेती करते हैं, हम किसान हैं, मान लीजिए खेती करते हैं, और खेती हम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी सच्ची लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से या फिर पानी ना होने की वजह से हमारी खेती उतनी अच्छी लाभदायक नहीं है। तो उस समय हम क्या करते हैं दोस्तों, आप बताइए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हम अपने खेत में पानी कैसे लाएंगे। सही है, हम अपने खेत में पानी कैसे लाएंगे इसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। एक तो पहला हम बोरवेल लेंगे खेत में, या फिर दूसरा हम कुआं खोदेंगे। बराबर है, एक तो बोरवेल लेंगे नहीं तो हम कुआं खोदेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप बोरवेल लीजिए या फिर कुआं खोदिए, ठीक है, पानी आपको लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको पैसा भी लगाना है और उसके लिए आपको समय भी देना है। यानी मेहनत, पैसा, समय, ये तीनों चीज़ें देने के बाद आपको पानी लगने की चांसेस है। और पानी अगर लग गया तो आपकी खेती खुशहाली से हरी भरी खेती हो सकती है। अब इस एग्जांपल में जैसे किसान, पानी अगर नहीं है तो उसका मेन मोटर पानी नहीं तो वो क्या करेगा, बोरवेल या फिर कुआं लेगा। सेम उसी तरह दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने कुआं लिया है और कुएं में आपको कितने झरने लगने चाहिए ऐसा आपको लगता है, आपने कुआं लिया है खेती में और कुएं में कितने झरने लगने चाहिए आपको लगता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोगों को यही लगेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा झरने लगने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी आना चाहिए, उसका फ़ायदा मैं मेरे खेती में कर सकता हूँ। किसी को भी नहीं लगता कि मुझे कम झरने लगने चाहिए, कम पानी आना चाहिए।
सेम इसी तरह दोस्तों, जैसे हम ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में जुड़ते हैं, मैंने एग्जांपल खेती का क्यों दिया है, अब हम ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में क्यों जुड़े हैं, पैसे कमाना। वहाँ पे जैसा पानी मेन पॉइंट था, यहाँ पे पैसा मेन पॉइंट है। अपने जीवन में अपना जीवन खुशहाली से जीने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं, अच्छी तरीके से पैसे कमाने के लिए आए। तो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जैसे हमने प्लानिंग की थी एक तो बोरवेल या फिर कुआं, तो यहाँ पे हमें सिस्टम ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, जो अपने 12 फॉर्म है, जो अपने 12 फॉर्म है वो 12 झरने लगाने का मौका है दोस्तों, जो अपने 12 फॉर्म है वो 12 झरने लगाने का मौका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पैसों के कुएं में कितने झरने चाहिए, आपको डिसाइड करना है कि आपके पैसों के कुएं में कितने झरने चाहिए। अब आप मुझे ये कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे कि सर मैं 4 ज्वाइनिंग करूंगा तो चलेगा ना, आगे के ज्वाइनिंग नहीं करूंगा तो भी चलेगा ना। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर 12 ज्वाइनिंग करने कंपलसरी है क्या, 4 ज्वाइनिंग करने कंपलसरी है क्या। यार एक बात समझ लीजिए, आपको 12 ज्वाइनिंग करने का सिस्टम ने मौका दिया है, इसका मतलब आप 12 झरने लगा सकते हैं पैसों के। आप जितने ज़्यादा झरने लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको चाहिए। अब आप में से मुझे कोई भी बताइए कि ऐसा कौन बंदा है जिसको लगता है कि मुझे कम पैसा आना चाहिए, कोई नहीं है दोस्तों, सभी लोगों को ज़्यादा पैसा आना चाहिए ऐसा लगता है। तो सभी लोगों को 12 झरने ओपन करने हैं, 12 ज्वाइनिंग करने हैं, इस सिस्टम से हमें काम करना है। तो मेन अपना मोटो क्या है दोस्तों, पैसे कमाना और अच्छे तरीके से पैसे कमाना। अभी नए डोनर जब भी ज्वाइन होते हैं तो एक तो बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि हम अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े हैं, अपना उद्देश्य अच्छा है, लोग यहाँ पे लोगों की सहायता करके पैसे कमा रहे हैं, बाकी अदर किसी भी कंपनी के साथ हमें कंपेरिजन नहीं करना है और लोग क्या कहेंगे इसके बारे में भी सोचना नहीं है। क्योंकि दोस्तों ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल ये कंसेप्ट बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और जिन लोगों को समझ में आता है वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, और आप और हम भाग्यशाली लोगों में से दोस्तों। बहुत सारे लोगों को तो ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो अदर कंपनीज के साथ इसकी कंपेरिजन करने की भूल कर बैठते हैं। और जो बंदा इस सिस्टम का अदर कंपनी के साथ कंपेरिजन करेगा वो बहुत सारी ढेर सारी उलझनों में अटका रहेगा। तो यहाँ पे एक तो बात क्लियर है कि सिस्टम हटके है, और इसलिए तो हम कहते हैं अनोखी मदद प्रणाली। तो इसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अब पहली स्टेप क्या करना है, जो नए डोनर जुड़ेंगे उनको सबसे पहले लिस्ट बनवानी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इसकी तरफ नेग्लेक्ट करते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि यार जब भी आप इस सिस्टम में जुड़ते हैं सबसे पहले आप एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में आप लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट किस बात की होनी चाहिए, लिस्ट दो टाइप की होनी चाहिए। पहली लिस्ट कॉन्टैक्ट की लिस्ट, यानी आपके पहचानने वाले, आपके जान पहचान वाले लोगों की लिस्ट, और दूसरी लिस्ट रहेगी ड्रीम्स की लिस्ट, आपके सपनों की लिस्ट आदि। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जब भी कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट यानी इस बिजनेस में, इस सिस्टम में अपना एक कैपिटल है। आपकी जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स, आपकी जितनी ज़्यादा पहचान, उतने ज़्यादा आप इस सिस्टम में सक्सेस होने के चांसेस है। इसलिए लिस्ट बनाने में बनाते समय कभी भी कंजूसी मत कीजिए, और मन में कभी ये मत सोचिए लिस्ट बनाते समय कि वो काम करेगा वो काम नहीं करेगा, मैं उसको बताऊं या ना बताऊं, बिल्कुल नहीं है। लिस्ट बनाते समय सिंपल बताना है दोस्तों, जैसे हमारे घर में कोई शादी होती है तो हम 500, 1000, 2000 इन्विटेशन लेटर प्रिंट करते हैं, और 500, 1000, 2000 लोगों को इन्विटेशन लेटर लिस्ट बना के दे देते हैं। उसमें से सभी लोग आएंगे इसकी हमें गारंटी नहीं होती, फिर भी अपना काम है लोगों को बताना। अब जो लोग हमारे हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग कोई भी इम्पोर्टेंट काम रहा तो भी छोड़ के अपनी शादी में आएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो जो शादी में तो आना चाहते थे लेकिन इससे इम्पोर्टेंट, इससे इमरजेंसी कुछ तो दूसरा काम आ गया, वो शादी में नहीं आ सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे कि उनको कुछ भी काम नहीं है लेकिन आपका अच्छा हो रहा है ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो आपके शादी में आना ही नहीं चाहते, फिर भी हम उनको इन्विटेशन लेटर देते हैं, हम अपना कर्तव्य करते हैं, कोई आए या ना आए सेम डेट टाइमिंग के ऊपर शादी हो जाती है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में हमने काम स्टार्ट किया है, तो हमें लिस्ट बनाना है, लोगों को शो द प्लान दिखाना है। कुछ लोग जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं 100% हमें देख के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, यार चलो तुम बता रहे हो तो कोई बात नहीं है, 2500 रुपये की क्या बात है, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, चलो हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग आपके ऊपर भरोसा भी है लेकिन उनको सिस्टम के बारे में भी डिटेल जानकारी चाहिए, अगर अच्छा लगा तो करेंगे। तो उन लोगों को हम जब डिटेल बताएंगे 100% वो आपके साथ आएंगे। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप कुछ भी बताएंगे तो वो आपके साथ आने वाले नहीं, क्योंकि उनके माइंड में कुछ कभी ना कहीं ये है कि आप लोगों को ये बता रहे हैं, इसे लोगों का तो उनको लगता है कि वो
आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि उनके जुड़ने से आपका फायदा होगा, यानी आप लोगों को बता रहे हैं लेकिन आपका अच्छा हो वो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हमें ये बात फिक्स करनी है दोस्तों कि कोई अपने साथ आए या ना आए, हमने तय किया है ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में करोड़पति बनना है तो बनना है, बस आप टाइमिंग लिखिए, डेट लिखिए, उस डेट तक हमें 100% करोड़पति बनना है, मेहनत कीजिए बस। तो दोस्तों लिस्ट बनाना है मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट की। दूसरी बात आती है ड्रीम्स की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। जब हम अपने सपनों की यादें बनाते हैं ना दोस्तों, जैसे कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं, मीडियम टर्म ड्रीम्स होते हैं। अभी ड्रीम्स के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। तो हमें ड्रीम्स यानी सपनों की यादें भी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सपने ही तो होते हैं जो हमें जगाते हैं, वो सपने ही तो होते हैं तो जो हमें जगा कर एनर्जेटिकली काम के ऊपर लगाते हैं। इसलिए हमें सपनों की यादें बनाना है और हो सके तो सपनों की यादें हमें डिस्प्ले करना है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे शो करना है कि वो सपने हमें हमेशा याद दिलाए यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, सपनों को पूरा करना है। तो इसलिए दोस्तों ये लिस्ट आप पहले लिस्ट बनाएंगे तो ही इस सिस्टम में सक्सेसफुल होंगे। कुछ लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्या मेरे माइंड में सब होता है, मैं लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑन पेपर डायरी में लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों आप ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जब हम लिस्ट बनाते हैं उसके बाद हमें इनवाइट करना है। जी हाँ, लिस्ट के बाद हमें इनवाइट। अब हमने जितने लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें कैटेगरी करेंगे ए बी सी। ए यानी जो 100% हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, बी यानी हमारे ऊपर भी भरोसा है लेकिन सिस्टम अच्छा लगा तो साथ में आएंगे ऐसा आपको लगता है, और सी यानी वो नहीं आएंगे आपको 100% पता है। अब हम इनवाइट करेंगे लोगों को, पहले ए कैटेगरी के लोगों को इनवाइट करेंगे जिनको हमारे ऊपर 100% भरोसा है, क्योंकि हम उनको साथ में अगर लेकर जाएंगे तो हमारे साथ हमारे ऊपर 100% भरोसा रखने वाले लोग भी पैसे कमा सकते हैं, इसलिए हमें पैसे पहले उनको बताना है, ठीक है। तो जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट करते समय टेलीकम्युनिकेशन करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी फ़ोन के ऊपर बात करके या फिर व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करके या फिर अलग अलग सोशल मीडिया का भी यूज़ करके आप इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन इनवाइट करते समय इतना ध्यान रखिए कि इनवाइट शॉर्ट पीरियड में हो, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा इन्वाइट ना हो, और इन्वाइट में आपको सिर्फ उनको ऐसा कुछ बताना है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है और आपको भी इसमें से फ़ायदा हो ऐसा मुझे लगता है, तो हम कब मिलेंगे उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना है। यानी इनवाइट में हमें प्लान बताना नहीं है, सिस्टम का नाम बताना नहीं है, डिटेल कुछ भी बताना नहीं है, क्योंकि लोगों के पास गलत फहमियाँ बहुत है। हम अगर फ़ोन के ऊपर ही सिस्टम का नाम बताएंगे, हम अगर फ़ोन के ऊपर ही प्लान समझाएंगे तो वो लोग पुराने गलत फहमियों की वजह से इसको भी नेगेटिव तरीके से देखते हैं और मिलने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए हमें इनवाइट शॉर्ट में करना है और किसी को भी डायरेक्टली मिलने नहीं जाना है दोस्तों, पहले उनका अपॉइंटमेंट लेना है, उनका सही टाइमिंग लेना है, फिर बाद में उनको मिलने जाना है। अब आप जब इनवाइट लेते हैं, पहले तो आपने लिस्ट बनाया, बाद में इनवाइट की। अब थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि शो दी प्लान। लोगों को ये सिस्टम के बारे में बताइए, लोगों को सिस्टम के उद्देश्य के बारे में बताइए, लोगों को प्लान के बारे में बताइए, लोगों को ये सिस्टम कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में बताइए, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी कैसे हम गेन कर सकते हैं इसके बारे में बताइए, लोगों को इसमें मैक्सिमम पैसा हम कैसा अर्न कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। और मैं आपको तो बताऊंगा नए डोनर को कि पहले 10 लोगों को, आप अगर लोकल में हैं और आपके साथ अगर लोकल का कोई आपसे अप्लाई में एक्टिव लीडर है तो उनका हेल्प लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब तक किसी के साथ प्लान मिलकर करेंगे नहीं तब तक ये प्लान कैसे प्रेजेंट करता है आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपके अपलाइन अगर दूर है तो कम से कम जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो अपलाइन को कॉल कीजिए, सर ऐसा ऐसा बंदा है, मैं इसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा टिप्स दीजिए। जब आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद तुरंत उसी जगह से अपलाइन को कॉल कीजिए, सर ऐसा ऐसा बंदा है, मैं इनको प्लान समझाया सर, थोड़ा आप कम्युनिकेशन कीजिए। यानी इससे क्या होगा कि अपलाइन आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे और आपसे ज़्यादा अपलाइन को इस सिस्टम के बारे में नॉलेज है तो 100% उनका नॉलेज आपको भी यहाँ पे काम में आएगा। फिर जब आप प्लान दिखाकर अपलाइन से बात करने के लिए लगाते हैं तो लास्ट में कुछ मोटिवेशनल क्लोजिंग अपलाइन की तरफ से भी हो सकता है, इसमें रिजल्ट कन्वर्सेशन ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो ये बातें हमें शो दी प्लान में करना है। और शो दी प्लान में हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है दोस्तों, हमें डायरेक्टली प्लान बताना नहीं है। सबसे पहले हम जिसको प्लान शेयर करने वाले हैं उसके ज़रूरतों को समझिए कि वो बंदा क्या करता है, उसका अर्निंग सोर्स कितना है, वो जो कुछ भी कमा रहा है उसमें सेटिस्फाई है या उसको और पैसों की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा तो बहुत सारा है लेकिन उनको चैरिटी करना है, लोगों की सहायता करना है, तो उनकी ज़रूरत क्या है वो समझिए और ज़रूरत के ऊपर हम उनको प्लान प्रेजेंट करेंगे।
जैसा डॉक्टर कहते हैं ना कि हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं डायरेक्ट डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट नहीं करते, पहले तो हमें पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट होता है। सेम उसी तरह हम प्लान दिखाते समय पहले उनसे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे कि सर आप क्या करते हैं, कब से करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपका इनकम कितना है, फिर आपके घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, फिर आपका खर्चा और फैमिली सब चल रहा है क्या, आपके नीड्स कंप्लीट हो रहे हैं क्या, आपके सपने कंप्लीट हो रहे हैं क्या, आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसके साथ और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं क्या, आपको और पैसे कमाने की ज़रूरत है ऐसा आपको लगता है क्या, आपको ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ फ्रॉड ना करते हुए भी अच्छा इनकम ले, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे पास एक सिस्टम है। तो ये कुछ सवाल जवाब हमें करना है दोस्तों। अभी इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि फॉलोअप। जी हाँ दोस्तों, फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग फॉलोअप लेना भूल जाते हैं, प्लान तो दिखाते हैं, लिस्ट निकालते हैं, इन्वाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, लेकिन फॉलोअप लेना भूलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आज हम प्लान दिखाते तो वो बोलते ठीक है मैं कल बताऊंगा, लेकिन जब वो कल बताऊंगा बोला है तो हमें कल उसको फॉलोअप लेना ही है। फॉलोअप 100% दोस्तों 24 घंटे के अंदर लेना है, क्योंकि तब तक उनके माइंड में हमने जो बताया है वो फ्रेश होता है। जैसे जैसे 24 घंटे के ऊपर ज़्यादा टाइम बीतता जाएगा उनके माइंड से प्लान थोड़ा सा निकलता जाएगा। इसलिए हमें स्ट्रांग फॉलोअप लेना है, टाइम कम पीरियड में फॉलोअप लेना है, और फॉलोअप में ऐसा फॉलोअप लेना है कि उसको रिजल्ट में कन्वर्सेशन करना है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जो नए डोनर को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको नए डोनर को यही बताऊंगा कि ये 4 बेसिक जो मैंने आपको बताए हैं, लिस्ट, कॉन्टैक्ट, इन्वाइट, शो द प्लान और फॉलोअप, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी लोगों को पता है, जो नेटवर्कर लोग हैं उनको तो पता है, नए लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन नेटवर्कर लोग भी सबसे बड़ी भूल करते हैं कि इसको पता हो के भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, यानी लिस्ट नहीं बनाते, कॉन्टैक्ट नहीं करते, कॉन्टैक्ट इन्वाइट नहीं करते, और उसके शोध प्लान कम करते हैं। और शोध प्लान का रेशियो भी दोस्तों कम से कम डेली तीन चार तो मिनिमम प्लान होने चाहिए। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको लोगों को मिलके बोलना है, आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, अदर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी आप प्लान प्रेजेंटेशन लोगों से कर सकते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करके फॉलोअप भी ले सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहूँगा, आपने टाइम दिया है, ये वीडियो देखा है, आप सभी लोगों का मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आने वाले दिनों में भी बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे शेयर करूँगा दोस्तों, बहुत सारा नॉलेज मेरे पास जो है, लगभग 15 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं खुद प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर था महाराष्ट्र में, जॉब रिजाइन करके फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज मैं रखता हूँ। तो मैक्सिमम मैं मेरा नॉलेज आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देना पसंद करूँगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। जाते जाते मैं आपको इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही देगा, गवाही वक्त देगा जरूर, थैंक यू। जय हिंद, जय ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल, जय आर्थिक आज़ादी अभियान।